सुप्रभातम मित्रों, आज आप संस्कृत ग्रामर तरफ जाइए। एम खास कर विद्यार्थियों ने विभक्ति विभक्ति एना हार्ड टॉपिक हो तो आज आप विभक्ति जोशु जो धोरण 9 और 10 बने आ सामन टॉपिक है। तो अँ विभक्ति संस्कृत भाषा में कर्ता विभक्ति, कर्म विभक्ति, करण विभक्ति, संप्रदान विभक्ति, अपादान विभक्ति, संबंध विभक्ति अने अधिकरण विभक्ति, आम 7 विभक्तिओ संस्कृत भाषा में छे मित्रों। अने 8मी विभक्ति तरीके आपणे न ओळखता जे 8मी विभक्ति छे एने आपणे संबोधन कहीशुं। एटले मुख्य जे विभक्तिओ छे ए 7 ज छे। कर्ता विभक्ति आपणे जोईए, कर्ता एटले अहींया रामः संस्कृत में एनो प्रत्यय विसर्ग ए संस्कृत में आवशे कर्ता विभक्ति में। जेम के रामः वनम गच्छति, राम वन में जाए छे। अहम शालायां गच्छामि, हूँ शाला में जाऊँ छू। अहम शिक्षकः अस्मि, हूँ शिक्षक छू। अहम वदामि, अहम खादामि, नदी वहति। तो आ बधा वाक्यों में अहींया जेम छे रामः तो ये कर्ता विभक्ति थे कहवाय। रामः वनं गच्छति, नदी वहति, नदी वहे छे, तो नदी यहां कर्ता विभक्ति थशे। नदी ही वहति, तो ये राम अने नदी आ बन्ने शब्दों कर्ता छे। विभक्ति इतले शुं करे छे, वाक्य में संबंध स्थापे छे। विभक्ति खास करीने संस्कृत भाषा ना व्याकरण में विभक्ति नु मोटू योगदान छे। विभक्ति थी वाक्यों वच्चे नो संबंध सधाय छे, बन्ने वच्चे नो कहेवाय के अनुवाद माटे पण, अनुवाद माटे पण खूब ज उपकारक छे विभक्ति। विभक्ति थकी ज आपणे सारी रीते संस्कृत भाषा ने जाणी शकीए छीए। तो विभक्ति शब्दों शब्दों वच्चे अने वाक्य ने एकबीजाथी जोड़े छे अने अनुवाद एनाथी सरल बनी जाय छे। बीजी कर्ता विभक्ति में आपणे बीजा उदाहरण जोईए तो अग्नि सळगे छे, अग्नि दहेती, अग्नि सळगे छे एटले के अग्नि दहती। आ रीते वयम गच्छामः, अमे बधा जईए छीए तो वयम गच्छामः। आ रीते संस्कृत भाषा में कर्ता विभक्ति एटले के एनो कर्ता कयो छे सब्जेक्ट, एने कर्ता विभक्ति तरीके ओळखवामां आवे छे। बीजी विभक्ति आपणे जोईए द्वितीय विभक्ति, एने कहेवाय छे कर्म विभक्ति, एने द्वितीय विभक्ति। कर्म विभक्ति में जेम के रामः फलं खादति, राम फल खाय छे। तो अहींया जे फलं जे ऊपर मींडी मूकवामां आवे एने कर्म विभक्ति कहेवामां आवे छे। रामः फलं खादति, आवा बीजा पण घणा बधा द्वितीय विभक्तिना उदाहरणो छे मित्रों। सेवक भारम वहति, सेवक भारनु वहन करे छे, तो अहीं जे भारम वहति ए पण अहीं द्वितीय विभक्ति थाय छे भारम। कर्म विभक्ति में आपणे जोईए तो जे कर्म विभक्ति छे तो अहीं फलम, फलम राम फलम खादति, फलम एटले एना उपर अनुस्वार आव्यो। राम शुं खाय छे तो एना प्रश्नना जवाबमां राम फळ खाय छे एवुं अहींया साबित थाय छे। एटले जे फळ छे, जे वस्तु ए अहींया कर्म विभक्तिमां मूकवामां आवी छे। रामः फलं खादति, ऑब्जेक्ट कर्म विभक्ति एटले कयुं भाई? ऑब्जेक्ट कर्म, आपणे पहेला कर्ता विभक्ति एना पछी कर्म विभक्ति। कर्ता एटले सब्जेक्ट, कर्म एटले ऑब्जेक्ट। बीजा पण आपणे उदाहरण जोईए तो त्वं कमलं पश्यसि, तू कमळ जुए छे। अहम सत्यं वदामि, हूँ सत्य बोलू छू। तो बाल मित्रों जे सत्यं, अहम सत्यं वदामि, हूँ सत्य बोलू छू, એટલે सत्यं पर जे कर्म विभक्ति में आवेलू छे, सत्यं पर जे आपणे अनुस्वार मूकीए छीए એ कर्म विभक्ति में आपणने जोवा मळे छे। आ रीते बीजा पण उदाहरणो छे। चोरः धान्यं चोरयति,
वयं पुस्तकं जानामः अमे पुस्तक जानिए छे वयं ए बहुवचन में छे वयं एटले जानामः एवं रूप बन्यु छे बहुवचन में तो आ रीते आपणे द्वितीय विभक्ति ना पण उदाहरणो ए रीते जोई शकीए अहींया द्वितीय विभक्ति में जे छे प्रत्यय गुजराती में ने प्रत्यय आवे छे अने संस्कृत में अनुस्वार एटले के शब्द उपर एक मिंडी मुकवामां आवे अनुस्वार मुकवामां आवे एटले एनो उच्चार अहींया म थाय छे एनो उच्चार म थशे तृतीय जे विभक्ति छे तृतीय विभक्ति ने अहींया करण विभक्ति कहेवामां आवे छे गुजराती में एना प्रत्यय छे थी थकी अने वडे त्रण प्रत्ययो छे गुजराती में थी थकी अने वडे अने जारे संस्कृत में आपणे जोईए के रामेण बाणेन वालीन हत तो अहींया बाणेन शब्द छे ए करण विभक्ति में आवेलो छे रामे बाण वडे वाली ने हण्यो कोई पण साधन नो जारे उपयोग करवामां आवे त्यारे अहींया करण विभक्ति नो उपयोग थाय छे कोई पण साधन वडे थी थकी अने वडे शब्द गुजराती में आवे छे अने संस्कृत जे प्रत्यय छे तो एमां न अने अण आ बे शब्दो यूज थशे न अने अण बाणेन अहम पुस्तकेन पठामि हूँ पुस्तक वडे भणु छु अथवा आपणे एवुं पण कही शकीए के त्वमे तमे पुस्तक वडे भणो छो त्वम पुस्तकेन पठंती त्वा पठसी त्वम अहीं बीजो पुरुष छे आपणे सी लईशुं त्वम पुस्तकं पठसी त्वम पुस्तकेन पठसी तो आ रीते तृतीय विभक्ति आपणे अहीं जोवा मळे छे खास करीने रमेश दंडेन घटम करोति रथ यंत्रे ही चलति रथ यंत्रो वडे चाले छे तो करण विभक्ति में साधन नो उपयोग छे अने आ रीते अहींया करण विभक्ति ए साधन नो उपयोग थयेलो होय अथवा थी थकी वडे आपणे ज्यारे अनुवाद करीए त्यारे वाक्य में आपणे थी थकी अने वडे जेवा शब्दनो उपयोग थाय एना थकी अनुवाद थाय त्यारे आपणे तृतीय विभक्ति नो उपयोग थयो छे एवुं आपणे जाणी शकीए हवे आपणे जोईए चतुर्थी विभक्ति जेनुं नाम छे संप्रदान विभक्ति संप्रदान संप्रदान नो अर्थ छे आपवुं बीजाने आपवुं जेम के राजा राजा गाय आपे छे तो रागने ह अहींया आपणे लई शकीए तो रागने ह दैनुं ददाति दैनुं ददाति राजा गाय आपे छे आपू तो आ रीते चतुर्थी विभक्ति में गुजराती में जे प्रत्यय छे ए माटे वास्ते अने कार्य छे तो संस्कृत में संप्रदन माटे नो जे प्रत्यय छे ए य छे जेम के रामाय पुस्तकाय रामाय रामाय नमः हूँ राम ने नमस्कार करो छु एटले राम माटे नमस्कार छे पुस्तकाय पुस्तक वडे तो आ रीते आपणे जोईए के हूँ कर्ण विप्राय सुवर्णम ददाति कर्ण ब्राह्मणों ने सुवर्ण एटले के सोनानु दान आपे छे तो अहींया आपणे जोईए के चतुर्थी विभक्ति जोवा मळे छे विप्राय विप्राय शब्दमां पण चतुर्थी विभक्ति आपणने जोवा मळे छे विप्राय एटले के ब्राह्मण ने कर्ण ब्राह्मण ने दान आपे छे चतुर्थी विभक्तिना पण आपणे उदाहरणो घणा बधा जोया चतुर्थी विभक्ति बीजा एक शब्दों में आपणे जोईए तो चतुर्थी विभक्ति छे ए नमस्कारना अर्थमां वपराय छे जेम के नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा जेवा अव्ययो होय एनी साथे
चतुर्थी विभक्ति એટલે કે સંપ્રદાન વિભક્તિનો ઉપયોગ થાય છે અથવા કરવામાં આવે છે। પંચમી જે વિભક્તિ છે અપાદાન વિભક્તિ। અપાદાન અપાદાનનો અર્થ છે છૂટા પડવું। છૂટા પડવું એક બીજાથી જ્યારે છૂટા પડવાનું થાય ત્યારે પંચમી વિભક્તિ બને છે અને એ માટે ગુજરાતી જે પ્રત્યયો છે થી માથી જેવા પ્રત્યયો એ અપાદાન વિભક્તિ સૂચવે છે। परंतु संस्कृत भाषा में एना माटे तो एटले के जेम के वृक्षात फलम पतति वृक्षमाथी फल पड़े छे अथवा वृक्ष ऊपर थी फल पड़े छे ऑन नो उपयोग भी थाय अने वृक्षात एटले फ्रॉम ट्री वृक्षमाथी अथवा वृक्ष ऊपर थी फल पड़े छे तो अहींया आपणे एवुं लई शकीए के वृक्षात फलम पतति वृक्ष ऊपर थी फल पड़े छे तो अहीं पंचमी विभक्ति नो उपयोग थयेलो छे। माथी खास करीने नो आपणे उपयोग करीए एटले माथी मेघेभ्यः जलम वर्षति वादळमांथी वरसाद वर्षे छे। मेघेभ्यः फ्रॉम क्लाउड्स यानी जे आकाश में वादळ होय एमांथी वरसाद वर्षे छे। तो आ रीते अहीं पंचमी विभक्ति जोवा मळे छे। ऋषियो आश्रममांथी निकळे छे ऋषयः आश्रमात निर्गच्छन्ति ऋषयः आश्रमात निर्गच्छन्ति तो अहीं आपणे पंचमी विभक्तिनो उपयोग आपणे जोयो माटे वास्ते अने काजे। बीजा पण उदाहरण आपणे लई शकीए के मूर्खः अज्ञानात जल्पन्ति मूर्ख लोको अज्ञान ने लीधे बहु बकवास करे छे। तो आ रीते पंचमी विभक्ति नो उपयोग कन्या जनन्या भोजनम प्राप्नोति कन्या जनन्या यानी जे बालिका छे ए पोतानी मातानी पासे थी मोथी अथवा पासे थी खोराक मेळवे छे अथवा भोजन मेळवे छे तो अहींया पण पंचमी विभक्ति नो प्रयोग जोवा मळे छे। पंचमी विभक्ति जेम के वृक्षात फलम पतति अथवा वृक्षात पर्णम पतति वृक्ष परथी फल पड़े छे अहींया छूटा थवानी जे क्रिया छे ए पंचमी विभक्ति नो उल्लेख करे छे। जेम बाळक घरे थी शाळा मां आवे छे अने शाळा मांथी घरे जाय छे तो घरे थी ज्यारे बाळक छूटू पड़े त्यारे आपणे एवुं कही शकीए के छात्रः गृहात शालायां गच्छति बालक शाला में थी घरे थी शाला में जाए अथवा एवं कही सकते शालात छात्र शालात गृहम गच्छति आ रीते एक बीजा थी छूटा पड़ू शाला में थी घरे जाए एटले शाला में थी छूटू पड़े अने घरे थी शाला में आए एटले घरे थी छूटू पड़े तो अहीं पंचमी विभक्ति एटले के अपादान विभक्ति नो अहीं उल्लेख थयेलो छे। तो आपणे सारी रीते जोई लईए सबद विभक्ति अहीं एक षष्ठी विभक्ति जे छे एनुं पण बहु महत्वनुं योगदान छे। वाक्य ज्यारे आपणे बनावता होईए एकबीजानो संबंध आपणे ज्यारे स्थापित करीए त्यारे पंचमी विभक्तिनो अहीं पंचमी विभक्ति पछी षष्ठी विभक्तिनो उपयोग थाय छे। संबंध संबंध वधारे छे बे वाक्यो वच्चे नहीं वच्चेनो जे संबंध छे ए षष्ठी विभक्ति स्थापित करे छे। जेम के राम भरतना भाई छे तो रामः भरतस्य भ्राता अस्ति अहीं आपणे कही शकीए राम भरतस्य भ्राता अस्ति राम भरतना भाई छे एवुं कही शकीए। बीजुं आपणे कोई पण स्वामित्व बतावा माटे पण षष्ठी विभक्तिनो उपयोग थाय छे। स्वामित्व बतावुं दुष्यंतस्य पत्नी अस्ति सीतायाः धनम अस्ति सीतानुं धन छे दुष्यंतनी पत्नी छे राम ने पुत्र छे तो रामस्य पुत्र अस्ति मम पितुः मातुः च भगिनी अस्ति। तो आ रीते अहीं आपणे जोई शकीए छीए षष्ठी विभक्ति संबंध
गुजराती में प्रत्यय है नो नी नू अने ना। गुजराती में चार जे प्रत्यय है नो नी नू ना ये संबंध बतावे छे। राम भरत ना भाई छे, सीता राम नी पत्नी छे, आ संबंध बतावे छे। विद्यार्थी अने गुरु वच्चे नो पण संबंध स्थापित थाय छे। तो आ रीते संबंध स्थापित करो होय त्यारे संस्कृत भाषा में षष्ठी विभक्ति एटले के संबंध विभक्ति नो उपयोग करवामां आवे छे। हवे अधिकरण, अधिकरण एटले स्थलवाचक विभक्ति, स्थान बतावे। अधिकरण एटले स्थल बतावो, खास करीने गुजराती में एना प्रत्यय छे मां अने अंदर, आ प्रत्यय छे मां अने अंदर। के ज्यारे आपणे जोईए त्यारे जे ते स्थळ होय, रामः वनं गच्छति, राम वनमां जाय छे, एवो प्रश्न, राम क्यां जाय छे? तो राम वनमां जाय छे। बाळको क्यां जाय छे? तो बाळको शाळामां जाय छे। तो अहींया सप्तमी विभक्ति मां, मां अथवा नी अंदर, एवो आपणे अहींया उपयोग करी शकीए छे। वृक्ष उपर फळो छे, तो वृक्षे फलानी संति, एवं आप लखी सकी है वृक्षे फलानी संति। वृक्षे, वृक्ष ऊपर नीमा एवं अर्थ है, वृक्ष ऊपर फलो छे, आओ आपणे कही सकी। आकाश में चंद्रमा छे, चंद्रमा क्या छे? आकाश में। द मून इज इन द स्काय, आकाश में चंद्रमा छे, के चंद्रमा आकाश में छे। तो यहां आपणे एवुं पण कही छे आकाशे चंद्र अस्ति, आकाशे चंद्र अस्ति। तो यहां आकाश छे एनी सप्तमी विभक्ति थई छे, वृक्षे एमां पण सप्तमी विभक्ति थई छे। वृक्षे फलानी संति, वृक्ष पर फळो छे, अने आकाशे चंद्र अस्ति, आकाशमां चंद्र छे। तो क्या? तो आकाशमां। फळो क्या छे? तो वृक्ष पर। तो अहींया नीमा एवो अर्थ एनो सूचित थाय छे। तो अहींया पण सप्तमी विभक्ति थई थईली જોવા મળે છે। બીજા પણ ઘણા બધા ઉદાહરણો છે। તું ઘરમાં પુસ્તક વાંચે છે, त्वं गृहे पुस्तकं पठति, लोकोनी अंदर वाचित जे करे छे लोको, तो एमना मन में वाचित करता होय, तो जनाः मनसी वार्तालापं करोति, आओ आपणे कही शकीए छीए। सवारे चंद्र अस्त पाने छे, प्रातः काले चंद्रः अस्तं गच्छति, प्रातः काले चंद्रः अस्तं गच्छति, प्रातः काले, इन द मॉर्निंग, सवारे, धारो के उगे छे, सवारे चंद्र, प्रातः काले चंद्र अस्तम गच्छति, आवुं पण एक विधान छे, सवारे चंद्र अस्त पामे छे। तो संबंध विभक्ति पछी अधिकरण विभक्ति मां मां अने अंदर आपणे जोयुं। तो विभक्तिओमां छेल्ले आपणे जोईए के संबोधन होय छे। हे राम, हे राम, एवं संबोधन छे अहींया विभक्ति में। जेम के रामना आपणे विभक्ति प्रमाणे आपणे रामना रूपो जोईए, तो एक वचन, द्विवचन अने बहुवचन में कहेवाय छे रामः, रामो, रामः, रामं, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामेहि, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामानां, रामे, रामयो, रामेषु, अने लास्टमां अष्टमी विभक्तिमां संबोधन आवशे हे राम, हे रामो, हे रामा। तो अहींया आ विभक्तिनो एक आ जे श्लोक छे, एक श्लोक छे विशाल, एना माटे रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजम्, रामेणा विहता निशाचरचम्,
परतरे रामश्च दासोऽस्म्यहम्। रामे चितलय सदा भवतु मे, भो राम माम उद्धर, भो राम माम उद्धर। ता श्लोकमां तमाम साते विभक्तिनो उपयोग थयो जोवा मळे छे। राम रामो रामो नो अर्थ राम राजमणि सदा गीयते, रामम रामम या द्वितीय विभक्ति छे, रामेण उपयोग थयो छे तृतीय विभक्ति, रामाय चतुर्थी विभक्ति, त्यार पछी रामात एटले पंचमी विभक्ति छे, रामस्य षष्ठी विभक्ति अने रामे ये सप्तमी विभक्ति छे। भो राम हे राम ये अहीं संबोधन करवामां आव्युं छे। आम विभक्ति थकी आपणने व्याकरणनी सारी ओळख थाय छे। विभक्तिनो मित्रों जो आपणने ख्याल हशे तो संस्कृत भाषा बिल्कुल सरल थई जशे। संस्कृतमां अनुवाद माटे खास करीने आ विभक्तिओनुं नॉलेज आपणने होवुं जरूरी छे। तो अंतमां एटलुं ज कहीश के वारंवार संस्कृत भाषामां पण वारंवार रिविजन करवामां आवे तो आप सारी रीते संस्कृत ग्रामर शीखी शकशो। अने लेसन पण होय तो पण आपणे एने एनो तलस्पर्शी अभ्यास करवो होय तो व्याकरणनुं ज्ञान जरूरी छे। ऑल द बेस्ट, शुभम भवतु, कल्याणम अस्तु।